हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाहिंदा। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज मैं कुछ न्यू ट्राई करने जा रही हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आएगा। आप सब दीपिका कक्कड़ इब्राहिम को तो जानते ही होंगे, तो हाल में ही मैंने उनकी बिरयानी रेसिपी की वीडियो देखी। मुझे बहुत अच्छा लगा देखने में, तो मैं आज सेम रेसिपी ट्राई करने जा रही हूँ। आई होप कि मेरी वीडियो भी अच्छी बने और आप सबको वीडियो अच्छा लगे। तो लेट्स बिगिन। बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं। मैं पहले आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये मैंने यहाँ पे बासमती राइस लिया है और 900 ग्राम्स इसको मैंने अच्छे से धो के पानी में भिगो दिया है। हमें हाफ एन आवर इसे पानी में रखना है। तो मैं भी आपको सारे इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। मैंने इसे दीपिका के बिल्कुल ही हाफ लिया है। मैं उनके मेजरमेंट से बिल्कुल ही हाफ सारा चीज़ यूज़ कर रही हूँ। उन्होंने 900 ग्राम्स बनाया है चावल, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 500 ग्राम्स चावल और 500 ग्राम्स मेरा चिकन भी है। तो जितना भी इंग्रेडिएंट्स है वो सारे मैं उनके हाफ क्वांटिटी में यूज़ कर रही हूँ। सारा मेजरमेंट में बिल्कुल ही हाफ ले चुकी हूँ मैं। तो मैं आपको दिखाते जाती हूँ जल्दी जल्दी सारे इंग्रेडिएंट्स को। अब ये मैंने लिया है लॉन्ग क्लोव्स, ये करीबन 15 से 18 के आसपास आप ले लीजिए। ये 2 बड़े चम्मच जीरा और ये नमक आपके स्वाद अनुसार। मैंने लिया है 2.5 चम्मच। अब ये हो गया चावल। अब हम बिरयानी की बात करते हैं। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम चिकन लिया है, बोनलेस चिकन है। इसको अच्छे से धो के मैंने अपने हिसाब से ऐसे क्यूब्स में काट लिया है, बहुत छोटे भी नहीं चाहिए। अब मैंने लिया है ऑयल, 150 ml ऑफ ऑयल। ये मैंने दही लिया है, इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है ताकि कोई भी गिठाने इसमें ना रहे। ये मैंने लिया है 370 ml, अराउंड 400 ml, दो कप भी चलेगा। ये है करीबन 7 से 8 प्याज, 4 to 5 से प्याज लिया है। ये हम सबका फेवरेट है। ये मैंने लिया है माय बिरयानी मसाला। अभी मेरे पूरा डब्बा इसलिए रखा, मैं एवरेस्ट का बिरयानी मसाला यूज कर रही हूँ, खाना चाहती है। और फिर मैंने लिया है नमक, है ही 2 नींबू मैंने ऑलरेडी कटिंग करके रख दिया है, एंड तब काम आएगा। तो 2 नींबू, प्रूंस बोला जाता है इसे, आलू बुखारा बोला मेरा जाता प्रूंस है। उतना ब्लैक नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, अराउंड 5। इससे जो है बट ये है प्रूंस की खट्टास बहुत अच्छी आती है, फ्लेवर बहुत एनहांस होता है। लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, पुदीना, और लॉकडाउन की वजह से हमें हरा धनिया भी मुझे हरा धनिया भी मिल चुका है और पुदीना भी है, तो थोड़ा सा हरा धनिया जरूर लीजिएगा। फूड कलर मैंने लिया है ग्रीन एंड रेड पाउडर, लिक्विड आप कोई भी यूज कर सकते हो। ये थोड़ा सा केसर मैंने दूध में जो है भिगो के रखा है, अभी कलर कम है। जब तक हम पूरी बिरयानी प्रिपेयर कर लेंगे और लेयरिंग करेंगे तब तक ये अच्छी तरह से येलो हो जाएगा। एंड मैं एसेंस नहीं यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा एसेंस मुझे पसंद नहीं, सो मैं एसेंस को स्किप कर दे रही हूँ। सबसे पहले हमें एक बड़े बर्तन में पानी लेना है। इसमें जो जीरा, लौंग और नमक ये हम डाल देंगे और हम इस पानी को बॉईल आने देंगे। जब तक ये बॉईल नहीं आता तब तक हम अपने चावल इसमें नहीं डालेंगे। तो अब मैं इसको ढक के रख रही हूँ ताकि ये जल्दी बॉईल आ जाए। ठीक है, तो जब तक हमारे राइस के लिए पानी बॉईल होता है तब तक हम चिकन की तैयारी कर लेते हैं। तो ये मैंने अपना जो वेसल है, मैं थोड़ा सा ब्रॉड वेसल प्रेफर करती हूँ क्योंकि मिक्स करने में आसानी रहती है और जब आप चिकन का मसाला बना रहे हो तो बहुत भूनने में बहुत आसानी रहती है। सो ये मैंने रखा है, अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। तो अभी सबसे पहले हम पूरा ऑयल जो है हम अपने वेसल में, ये अच्छे से गर्म हो जाए ऑयल, हार्डली 1 मिनट लगेगा। उसके बाद हम सारे अनियंस इसमें डाल देंगे क्योंकि हमें अनियन जो है कैरमलाइज करने हैं, मतलब एकदम अच्छे से डार्क ब्राउन। बिरयानी में ज्यादा मतलब मैरिनेशन वगैरह नहीं लगता है और एक बार आपके पास अगर बिरयानी मसाला अच्छा रेडी है तो प्याज भूनने के अलावा और किसी चीज में आपको वक्त नहीं लगेगा, सब एकदम फटाफट रेडी हो जाएगा। प्याज को कैरमलाइज करने में थोड़ा वक्त जाता है। आई थिंक कुकिंग गुड फूड इज ऑल अबाउट पेशेंस। जल्दी करेंगे तो खाना जल जाएगा, जो कि मैं एक दो बार जला चुकी हूँ।
सो अभी लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और ये पानी अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है। देखिए ये बिल्कुल इस तरह से बॉईल होना चाहिए और इसको सोक किए भी 30-35 मिनट हो गए हैं। तो अब जो है मैं ये पूरे चावल इसमें डाल दूंगी। ये चावल इसमें डालने के बाद आपको एग्जैक्टली प्लीज बाय द क्लॉक 5 मिनट के लिए इसे बॉईल करना है उसी और इमीडिएटली छान के जो है हम इसे ट्रे पे फैला देंगे। उससे क्या होता है आपके चावल ओवर कुक बिल्कुल नहीं होते हैं। और अभी इसको ढक के कुक करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे खुला ही रख सकते। प्याज होना शुरू हुआ है लेकिन ये बहुत मनमौजी होता है, अपने ही टाइम के हिसाब से प्याज जो है प्रॉपर फ्राई होता है। सो इसके साथ हमें बहुत ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत है। तो ये मैंने एक प्लेट पे टिश्यू रखा हुआ है, इसके 3/4 पोर्शन के अनियंस जो है वो हम निकाल लेंगे, मतलब आधे से थोड़ा सा ज्यादा, और बाकी हम इसी में रहने देंगे इसी ऑयल में इसी कढ़ाई में। ये जो है मैं इसी में रहने दूंगी और जो हमारा चिकन मैंने धो के रखा है वो पूरा चिकन आप इसमें डाल दूंगी। बिरयानी में प्याज थोड़ा कम ज्यादा हो जाए, कम नहीं ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अच्छा ही लगता है वो, उसका फ्लेवर एनहांस ही करता है। और यस ऑयल तो थोड़ा ज्यादा होगा ही, क्योंकि या तो आप हेल्दी खाना खा लो, मतलब ऐसी चीजें जो है उसमें तो थोड़ा ऑयल चलता है। बिरयानी हो गए, अच्छा वाला नॉन वेज जो घर पे बनता है वो हो गया। मीडियम करके इसे 30-40 सेकेंड्स के लिए कवर कर दूंगी और ये जो है अच्छी तरह से इनका ऑयल सोक हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें ये अनियंस थोड़ी क्रिस्प चाहिए। हमने करीब 1-2 मिनट इसको ढक के रखा था, अब मैं जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो इसमें डाल दूंगी और अब मैं इसे अच्छे से पकने दूंगी, क्योंकि अदरक लहसुन का पकना बहुत जरूरी है वरना वो इसकी कच्ची महक ठीक से आएगी। कोई मसाला नहीं डाला है और कलर देखो। अब हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे, ज्यादा हमें कुछ डालना नहीं है, थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक और ये मैंने 4 टेबलस्पून बिरयानी मसाला लिया है, ये होममेड है, आप कोई भी बिरयानी मसाला यूज कर सकते हो। ये हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसे स्लो हीट पे थोड़ी देर भूनने देंगे। इसे हमें ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ ये बोनलेस है तो ये बहुत जल्दी पकता है। अब जो दही है ये हाथ से ही मिक्स कर लिया, क्योंकि मेरे हाथ साफ सुथरे हैं, एकदम अच्छे से धुले हुए हैं। आपको भी नहीं करना था, चम्मच से, स्पून से, रबर स्पून से, किसी से भी कर सकते हो। अभी ये मैं इसमें डाल दूंगी अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें जो प्रून्स हमने निकाल के रखे थे वो हम डाल देंगे, आप चाहो तो साबुत भी डाल सकते हो, आप चाहो तो थोड़ा तोड़ के भी डाल सकते हो, ये अमेज़न पे बहुत इजीली अवेलेबल हैं। अगर आपको लोकल ग्रोसरी पे नहीं मिल रहे हैं, वैसे मिल जाने चाहिए, बट अगर नहीं मिल रहे हैं तो अमेज़न पे बहुत इजीली अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हो। सो कलर एकदम बढ़िया लग रहा है। अब हम इसे ढक के नहीं, हम इसे खुला पकने देंगे, क्योंकि हमें इसे सिर्फ अच्छी तरह से भूनना है और उसके बाद बस लेयरिंग, दैट्स क्लियर। डाल दिया है अभी, जैसे मैंने आपको बोला था कि आप लौंग चुन लीजिए। तो अभी हाफ राइस जो है वो मैंने स्प्रेड कर दिए अच्छे से, अब 1 टेबलस्पून जो बिरयानी मसाला है वो मैं ऊपर से और स्प्रिंकल करूंगी। अब बाकी का सारा राइस, सबसे पहले इसमें मैंने 2 लाइम निकाल के रखे थे, एक मैं स्लाइस करूंगी और बाकी का मैं जूस डालूंगी, क्योंकि ज्यादा स्लाइस करने से कभी कभी
नींबू के छिलके की जो कड़वाहट है वो आपकी बिरयानी में आ जाती है। ये केसर का दूध मैंने आपको बोला था एकदम अच्छी तरह से येलो हो जाएगा, ये हम इसमें डाल देंगे। इबड़ा, आपके पास अगर वाटर है तो आप करीब 2 टीस्पून इसमें डाल सकते हैं, केवड़ा वाटर भी आता है, मेरे पास एसेंस है। फाइनल चीजें, जो ग्रीन चिलीज मैंने आपको बोला था वो मैंने स्लिट कर ली है, तो इसे स्प्रेड कर देंगे। और जैसा कि मैंने कहा था, अगर आपके पास हरा धनिया है घर पे तो आप उसे डाल दीजिए पुदीना के साथ, मैं आज सिर्फ पुदीना डाल दी हूँ। और ये दोनों फूड कलर्स रेड एंड ग्रीन मैंने डाइल्यूट करके रखे हैं, तो इनको मैं जगह जगह पे अपने हिसाब से डाल दूंगा। चल, ये लेयरिंग रेडी है, अब इसको आप ढक दीजिए और इस पे कोई हेवी वेसल रख दीजिए, मैं यही रख रही हूँ। कई लोग इसे आटा लगा के भी दम देते हैं, आप वो भी कर सकते हो, मुझे ये थोड़ा और इजी लगता है और इसमें भी फ्लेवर्स बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड होते हैं, तो मैं यही प्रेफर करती हूँ। तो ये मैंने एक हेवी वेसल इसके ऊपर रख दिया है। अब करीब 10 मिनट मैं इसे धीमी आंच पे रहने दूंगी, उसके बाद मैं धीमी आंच पे एक तवा रखूंगी और उसके ऊपर ये वेसल रखूंगी एंड अनदर 15 मिनट्स उसी तरह से हीट इन्फ्यूज होने देंगे एंड देन द बिरयानी विल बी रेडी। सो वेट। तो अब पूरा आधा घंटा हो चुका है, आज खुशबू तो एकदम परफेक्ट है। ये तो हमारी बिरयानी एकदम प्रॉपरली मिक्स हो गई है और कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड अभी इसे सर्व करते हैं और खाते हैं। सो गाइज, फाइनली मेरी बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है और जब से मैंने दीपिका की वो रेसिपी देखी थी बिरयानी वाली, मैं तब से ही मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग था कि मैं ये कब बनाऊँगी कब खाऊँगी, मुझे देखने में बहुत ही यमी लग रहा था, तो इसलिए आज फाइनली मैंने इसे बना लिया है। अब मैं इसे टेस्ट करने वाली हूँ, तो आज मुझे मौका मिल गया ये बिरयानी टेस्ट करने का, तो मैं इसे फटाफट टेस्ट करती हूँ और आप लोगों को भी बताती हूँ कि ये कैसा बना है, तो मैं इसे जल्दी जल्दी टेस्ट कर लेती हूँ। चिकन भी काफी अच्छे से पक चुका है, जितना टेस्टी मुझे देखने में लग रहा था उस दिन उस रेसिपी में, उतना ही टेस्टी मुझसे बना भी है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छे से आ रहा है। मीन्स एक एक इसका जो फ्लेवर है सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से मेरे मुंह के अंदर मेल्ट हो रहा है और ये चिकन भी बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है, देखिए एकदम आसानी से ये टूट जा रहा है और उसका टेस्ट बाकी बहुत अच्छा है। मेरे घर में ऐसे जनरली इस टाइप की बिरयानी बनती नहीं है, तो मुझे ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस टाइप की बिरयानी का, तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। आई होप कि आप सब भी इसे ट्राई करेंगे, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, या ये रेसिपी तो मेरी नहीं है, सो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।